नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपनु स्वागत छे। हूँ छू पंकज। कोरोनाथी देश में हाहाकार मच्यो छे। बीजी लहर वधु घातक बनती जई रही छे। दर्दीओनी संख्या सतत वधी रही छे। हॉस्पिटलो फूल छे, ऑक्सिजननी अछत छे, जरूरी संसाधनोनो पण अभाव छे। त्यारे सवाल थाय के कोरोना आटली झड़पथी केम फैलायो। सरकारे जनता पर बेदरकारीनो आरोप लगाव्यो अने नियमोनुं पालन करवानी अपील करीने हाथ केम खंखेरी लीधा। पहली लहर माथी कोई बोधपाठ लेता बीजी लहर माटे सरकारे केम कोई नक्कर तैयारी न करी। सरकार केम बीजी लहरनी घातकतानुं अनुमान लगावामां निष्फळ गई। शुं सरकारनी बेदरकारीनी किंमत हवे आम आदमी चूकवी रह्यो छे। કોરોનાની પહેલી લહેરમાંથી કેમ ન લીધો બોધપાઠ? બીજી લહેરની ઘાતકતાનો નહોતો અંદાજ? બીજી લહેરની કેમ ન કરી પહેલા તૈયારી? હાલાત બેકાબુ થતા હવે બેઠકોનો ધમધમાટ? હોસ્પિટલોમાં બેડ નથી, સારવાર માટે જરૂરી નથી, કોરોનાના દર્દીઓનો જીવ બચાવવા માટે જરૂરી ઓક્સિજનની પણ છે અછત। ऑक्सीजन अने दवाओं माटे दर्दियों ना सगाओ भटकी रहा छे। ना उनको बीपी था ना शुगर था, उनका एक्सरे भी बहुत क्लियर आया था इस बार। ये सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से मेरा पति मारा इन्होंने। हमें कहते हार्ट सिंक हो गया, 22-23 बंदे ऐसे थोड़ी मर जाएंगे इकट्ठे। नहीं बताई हमें ये कहा उनका हार्ट सिंक कर रहा, हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंची बताया डेथ हो चुकी है। बिना ऑक्सीजन के आदमी कैसे मरता है? मछली को लगाओ ना पानी के बाहर, कैसे तड़प के मरती है। ऐसे यहाँ पे 20 पेशेंट मरे हैं। मतलब कि 2 घंटे तक पेशेंट जो है बिना ऑक्सीजन के तड़प रहे थे। और सर बिलीव मी, बाईपैप लगे हुए जितने पेशेंट थे NIV सपोर्ट वाले सारे खत्म हो गए। 20 पेशेंट तड़प तड़प के मरे हैं, ये आप सोच नहीं सकते सर। तेवामां सवाल थाय छे सरकार ने। सरकार एटले केंद्र सरकार ज नहीं, राज्य सरकार पण। कोरोनाना हवे रोज 3 लाखथी वधु केस आवी रह्या छे। रोज 3 लाखथी वधु केस आवे तो कोई पण देशनी आरोग्य व्यवस्था पड़ी भांगे। तेवामां सवाल थाय छे कि बीजी लहेरनी स्पीड આટલી બધી વધી કેમ ગઈ? ગયા વર્ષે દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે જો લોકડાઉન ન લગાવ્યો હોત તો સંક્રમિતો અને દર્દીઓની સંખ્યા વધી જાત। તેવામાં સવાલ થાય છે કે આવું પગલું બીજી લહેર શરૂ થતા કેમ ન ઉઠાવવામાં આવ્યો? તેનો જવાબ છે, પ્રથમ લોકડાઉનથી સરકારે બોધપાઠ લીધો। કેમ કે લોકડાઉનનો મતલબ છે અર્થવ્યવસ્થા બરબાદ થવી, માટે જ પ્રધાનમંત્રી મોદીએ લોકડાઉનને છેલ્લો વિકલ્પ ગણાવ્યો। સાથીઓ, આજ કી સ્થિતિ મેં હમે દેશ કો લોકડાઉન સે બચાના હૈ। મેં રાજ્યો સે ભી અનુરોધ કરૂંગા કે વો લોકડાઉન કો અંતિમ વિકલ્પ કે રૂપ મેં હી ઇસ્તેમાલ કરેં। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। राज्य सरकारों लॉकडाउन ना पक्ष में नहीं, જ્યાં લોકડાઉન કે કડક પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યા છે ત્યાં પણ પૂરા પ્રયાસ કરવામાં આવ્યા છે
के आर्थिक गतिविधियों प्रभावित न थाय एटले सरकारोए कोरोना नी प्रथम लहर थी बोधपाठ तो लीधो पण बधा मोर्चे तेनो अमल न कर्यो। हॉस्पिटल मां बेड नी अछत गया वर्षे पण हती अने आ वर्षे पण छे। ऑक्सिजन नी अछत पहला वर्षे पण हती अने आ वर्षे पण छे। त्यारे पण दवाओ माटे मगजमारी हती ज पण त्यारे वायरस नवो हतो। सारवार थी लई बचावना उपाय प्रायोगिक धोरणे चाली रह्या हता। आखी दुनिया मां कोरोना नी केटली लहेरो आवी एटले राज्य होय के केंद्र सरकार कोई पण ते दलील करी न बची शके के तेमने बीजी लहर आववानो अंदाजो नहोतो। सरकारों ने सवाल, कोरोना ना दर्दियों माटे नवी हॉस्पिटलों केम न बनावी? प्रथम लहर नी हंगामी हॉस्पिटलों केम बंद करवामा आवी? ऑक्सीजन नी पूर्ति व्यवस्था केम न करवामा आवी? राहत पैकेज केम तैयार न करवामा आव्या? केंद्र राज्य सरकारों वच्चे आरोप प्रत्यारोप केम? राज्य सरकारोए पोतानी कोई तैयारी केम न करी? हॉस्पिटलों में तबीबी स्टाफ नी खाली जग्या केम न भरी? आ सवालों ना जवाब केंद्र के कोई राज्य नी सरकारों पासे नहीं होय, पण हाईकोर्ट थी लई सुप्रीम कोर्टे जे टिप्पणियों करी छे ते बतावे छे के सरकार बीजी लहर ने लई कुंभकर्ण नी निंद्रा मा हती। सरकार ने जागवा मा मोडू थयु छे। महामारी फैल रही है, 3,42,000 तो कल हुआ है, लोग मर रहे हैं बड़े पैमाने पर। कल मैंने देखा दिल्ली में कल एक अस्पताल में 25-26 लोग मर गए ऑक्सीजन कमी की वजह से। अभी सुबह खबर आ रही थी कि जयपुर के एक अस्पताल में लगभग 20 लोग मर गए। रोज इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। लखनऊ में आप सड़कों पर देख रहे हैं कि लाशें जलाई जा रही हैं। गुजरात में जिस तरीके से हो रहा, ये मुझे लगता है कि कोरोना की महामारी ने हमारी सारी सरकारों को बेनकाब कर दिया। सारी सरकारें इस दूसरी लहर की जो आफत थी, ये जो इसका हमला था, उससे निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं थी, वो साफ साफ दिख रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, और ये हम सबका फेलियर। सरकार क्या थाप खाई गई? विपक्ष मोदी सरकार पर बीजी लहर ने लई निष्फल रहवानो सतत आरोप लगावी रह्यो छे। वार पर पलटवार थई रह्या छे। राजनीति थती रही अने ग्राउंड पर जेटलू काम थवु जोईए तेटलू न थई शक्यो, माटे सुप्रीम कोर्टे दखलगीरी करवी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट इच्छे छे के सरकार ऑक्सीजन नी सप्लाय, दवाओनु वितरण अने वैक्सीनेशन ने लई एक राष्ट्रीय योजना बनावे। सुप्रीम कोर्टे नक्की करी लीधु छे के जो ऑक्सीजन नी अछतना कारणे कोईनु मौत थशे तो तेने अपराध मानवामां आवशे। कोर्ट ने हस्तक्षेप करवो पड्यो तेनाथी ज खबर पड़े छे के बधु बराबर नथी। जो कि प्रधानमंत्रीए पोताना संबोधन में ऑक्सिजन की अछत दूर करवानो विश्वास अपाव्यो हतो, ते माटे सेनाना विमानोनो पण उपयोग थई रह्यो छे। प्रधानमंत्रीए कह्युं हतुं के रेलवे अने विमाननी मददथी राज्योने ऑक्सिजन पहोंचाडीशुं। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सिजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1,00,000 नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। साथियों, इस बार जैसे ही कोरोना के केस बढ़े, देश के फार्मा सेक्टर ने दवाइयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है। आज जनवरी फरवरी की तुलना में देश में कई गुना ज्यादा दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है।
इसे अभी और तेज किया जा रहा है। जो कि विपक्ष नो आरोप छे के समय रहता तैयारी न करवामा आवी। हवे जारे स्थिति स्फोटक थई छे त्यारे तैयारी शुरू थई छे। कांग्रेस नो तो ते आरोप छे के बीजी लहर नी तैयारी करवानी जग्याए केंद्र सरकारे कोरोना नी दवाओं ने लई बीजी वस्तुओं नी निकास नी परवानगी आपी दीधी छे। वैक्सीन ना 6.5 करोड़ डोज नी निकास, 11 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन नी निकास, 9,300 मेट्रिक टन ऑक्सीजन नी निकास, 2 करोड़ टेस्ट किट नी निकास। शिवसेनानो पण आरोप छे के ज्यारे देशमां दवानी जरूर हती त्यारे बीजा देशोमां निकासनो निर्णय खोटो रह्यो। जिस तरह का माहौल देश में बना है, देश की राजधानी में जहां हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है, जहां हमारे प्रधानमंत्री है, जहां पूरा देश का कारोबार चलता है, जहां देश पर जो संकट आता है उसे लड़ने की प्रेरणा हमें देश के राजधानी से मिलती है, चाहे वो संकट मानव निर्मित हो चाहे नेशनल कैलामिटी हो। जिस तरह से कोरोना के बारे में जो अराजकता फैली है पूरे देश में, उसे नरक नहीं कहे तो क्या कहे। सिर्फ गंगाराम अस्पताल में 24 घंटे में ऑक्सीजन का दबाव कम होने से 25 लोग मारे जाते हैं, और भी बहुत सी बातें हैं। लोगों को बेड नहीं है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं है, लोगों को वेंटिलेटर्स नहीं है। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा प्लांट है और आपको दूसरे राज्यों के सामने हाथ पसारना पड़ रहा है, तो क्या हमारी सरकार यहाँ पर ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर सकती थी, ऑक्सीजन का बैकअप नहीं रख सकती थी? ये अभी निकल के आ रहा है कि पिछले साल हमने जितना ऑक्सीजन एक्सपोर्ट किया था उससे लगभग डबल ऑक्सीजन एक्सपोर्ट किया इस बार। मतलब दूसरे देशों की जो सरकारें थी उनको समझ में आ रहा था कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो इंडिया से मंगा लो, लेकिन हम बेवकूफ़ की तरह अपना ऑक्सीजन नहीं बचा पाए, हम अपना ऑक्सीजन संभाल के नहीं रहा, ना तो उसका प्रोडक्शन रैंपअप कर पाए। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जो एक होती है एक विजनरी अप्रोच होता है गवर्नमेंट का, उसकी कमी दिखी, जिसका नतीजा ये है कि एकदम हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में इस समय। તેમાં કોઈ બેમત નથી કે મોડું થયું છે, પણ હવે જે રીતે ઇમરજન્સીમાં પગલાં ભરવામાં આવી રહ્યા છે તેનું પરિણામ આગળ જોવા મળે। જો કે કોરોનાની બીજી લહેરનો સામનો કરવામાં રાજ્ય સરકારો પણ નિષ્ફળ સાબિત થઈ છે, તેઓ પોતાની નિષ્ફળતાનું ઠીકરું તેઓ કેન્દ્ર સરકાર પર ફોડી રહી છે। કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ચે આરોપ પ્રત્યારોપ કેમ? કોરોનાને લઈ જે વસ્તુઓ કેન્દ્ર સરકારના પ્રભાવમાં છે તેના પર રાજ્યોની ફરિયાદો વ્યાજબી હોઈ શકે છે। તેવામાં સવાલ થાય કે શું કોરોના સામેની લડાઈ સામે લડવાના બધા હથિયાર કેન્દ્ર પાસે જ છે? શું રાજ્ય સરકારો કશું કરી શકે તેમ નથી? હોસ્પિટલોમાં બેડ નથી મળી રહ્યા ત્યારે રાજ્ય સરકારોને પણ સવાલ પૂછવા જોઈએ કે તેમણે સમય રહેતા હોસ્પિટલોમાં બેડની સંખ્યા વધારવા, આઇસોલેશન સેન્ટર વધારવા, ઓક્સિજનની સપ્લાય માટે કેમ પગલાં ન ભર્યા? એટલે આ સંકટે એટલું વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું છે કે પબ્લિકને બેદરકાર ગણાવી હાથ ખંખેરી ન શકાય। રાજ્ય સરકારો કેટલી બેદરકાર રહી તેનો ચિતાર સરકારી હોસ્પિટલોને જોઈને જ લગાવી શકાય છે। મેડિકલ સ્ટાફની અપૂરતી સંખ્યા કોરોના સામેના જંગમાં વિઘ્નરૂપ બની રહી છે। જે ડોક્ટરો કામ કરી રહ્યા છે તેમના પર કામનો વધુ ભાર છે। પોતાનું 100% આપ્યા છતાં પણ ડોક્ટર બધાની સારવાર નથી કરી શકતા। રાજ્ય સરકારોએ પણ કોરોનાને રોકવા માટે એટલી ગંભીરતા ન બતાવી જેટલી જરૂરી હતી। સ્પેશિયલ રિપોર્ટ જારી રહેશે, હાલ રોકાઈશું એક નાનકડા બ્રેક માટે। કોરોના સામે હાલ તો રસીકરણ જ એક કવચ બન્યું છે, એવામાં બ્રિટને ઝડપી વેક્સિનેશન અને યોજનાબદ્ધ પ્રતિબંધોથી સંક્રમણની ચેન તોડી નાખી છે। લોકોએ રસી લીધા બાદ બ્રિટનમાં કોરોનાના કેસ અને મૃત્યુઆંક સતત ઘટી રહ્યા છે, ત્યારે હવે ભારતમાં પણ 1 મેથી 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકોને રસી આપવાનું શરૂ થઈ રહ્યું છે। ત્યારે જો ભારત સરકાર પણ આયોજનબદ્ધ તમામ લોકોને રસી અપાવે તો ચોક્કસપણે કોરોનાના કેસ અને મૃત્યુદર અંકુશમાં આવી શકે તેમ છે। બ્રિટને તોડી કોરોના સંક્રમણની ચેન,
झड़पी रसीकरण थी मेळवी सफलता। हाल भारत में कोरोना वायरस हाहाकार मचावी रह्यो छे। दररोज आवी रहेला लाखों केस थी सरकार अने लोको पण चिंतानी साथे साथे भयमां पण मुकाया छे। भारतनी स्थिति दिवसे ने दिवसे बगड़ी रही छे, त्यारे ब्रिटने कोरोना वायरसनी चेन तोड़ी नाखी छे। ब्रिटने देशमां रसीकरण पर भार मूकीने कोरोना वेक्सिनेशन अटैक कर्यो छे, एटले के ब्रिटन सरकारे वेक्सिनेशन वधारवानी साथे योजनाबंध प्रतिबंधो मूकीने संक्रमण ने फैलातुं अटकावी दीधुं छे। हाल वेक्सिनेशन अज कवच। कोरोना महामारी पर काबू मेळवा माटे समग्र दुनिया में वेक्सिनेशन अभियान चाली रह्यु छे, जेने सारो एवो प्रभाव पण जोवा मळी रह्यो छे। वेक्सिनेशन पछी महामारीनी स्थिति काबूमां आवी होय एनु मुख्य उदाहरण ब्रिटन छे। ब्रिटनमां सौप्रथम 7 सप्टेम्बरना रोज 3 लोकोना मौत निपजा हता, जे बाद मृत्यु आंक सतत वधतो गयो हतो। जे रीते ब्रिटनमां कोरोनाना केस वध्या, ते बाद ब्रिटन आर्थिक रीते तूटवा लाग्यो हतो। दुनियाना घणा देशोए ब्रिटन साथे आयात अने निकास पर प्रतिबंध लगावी दीधा हता, साथे ज देशवासीओने ब्रिटननो प्रवास न करवा माटे अपील करी हती। जे रीते ब्रिटनमां कोरोनाना केस सतत वधी रह्या हता, तेने लईने सरकारे एक आयोजनबद्ध योजना बनावी अने देशमां रसीकरण वधारवा पर भार मूक्यो। ब्रिटनना वडाप्रधान जॉनसने 4 जानुआरी 2021ना रोज आगामी 6 महीना माटे नवा प्रतिबंधोनी जाहेरात करी दीधी हती, परंतु योजनानी साथे तबक्कावारनी पद्धति पण लोकोने समझावी हती। तेमां कहेवामां आव्युं हतुं के 8 मार्च थी स्कूल खुली जशे, 29 मार्च थी लोको 2 परिवार अथवा 6 लोको बहार जई शकशे, तो 12 एप्रिल थी बिनजरूरी दुकानो पण खुली जशे, अने 21 जून थी तमाम प्रकारना कायदाकीय प्रतिबंधो दूर करवामां आवशे। ત્યારે આજે બ્રિટન સરકાર લોકોને આપેલા વાયદાઓ પૂરા કરવામાં સફળ સાબિત થઈ રહી છે, કારણ કે આજે બ્રિટનમાં કોરોનાના કેસ પણ ઘટ્યા છે અને મૃત્યુદરમાં પણ મોટો ઘટાડો થયો છે। રસીએ તોડી સંક્રમણની ચેઇન। બ્રિટનમાં કોરોનાની ચેઇન તોડવા પાછળ રસીકરણ જ સંજીવની સાબિત થઈ છે। બ્રિટનમાં એસ્ટ્રાઝેનેકા વેક્સિન આપવામાં આવી રહી છે। કેટલાક દેશોએ વેક્સિનથી બ્લડ ક્લોટિંગની થોડી ફરિયાદ બાદ તેના પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો હતો, જો કે બ્રિટને કહ્યું કે વેક્સિનથી નુકસાનની સરખામણી કરતા ફાયદો લાખ ગણો વધુ છે। તેણે એસ્ટ્રાઝેનેકા વેક્સિન આપવાનું ચાલુ જ રાખ્યું, જ્યારે યુરોપ વેક્સિનેશનમાં પાછળ રહી ગયું, અને આજે બ્રિટન સંક્રમણની સાંકળ તોડવામાં સફળ રહ્યું છે। બ્રિટનના આરોગ્ય મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે તેમને કોઈપણ કાળે જૂન સુધી લોકડાઉનથી સંપૂર્ણ રીતે બહાર નીકળવું છે, જેથી જુલાઈના અંત સુધીમાં તમામ પુખ્ત વયના લોકોને વેક્સિનના ડોઝ આપી દેવાશે। અત્યારે દેશમાં 50થી વધુ ઉંમરના લોકોને વેક્સિનનો ડોઝ આપી દેવાયો છે। દુનિયા મેં સબસે તેજી સે ભારત મેં પહેલે 10 કરોડ, ફિર 11 કરોડ ઓર 12 કરોડ વેક્સિન ડોઝ દિયે ગયે હૈ। વેક્સિન કો લેકર હુએ एक और अहम फैसला भी हमने किया है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष की ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। कोरोना वॉरियर्स नी साथे साथे वृद्धों अने 45 वर्ष थी वधु उम्रना लोकों ने रसी अपाई चुकी छे। हवे 18 वर्ष थी वधु उम्रना लोकों ने रसी आपवानु शुरू करीने भारत सरकार मोटा पाये रसीकरण अभियान चलावी रह्यु छे। ત્યારે જો દેશના મોટા ભાગના લોકો કોરોના સામે લડવા માટે પોતે જ આગળ આવીને રસી લે, તો કદાચ બ્રિટનની જેમ જ ભારતમાં પણ વધી રહેલા કેસના આંકડા પર કાબૂ મેળવી શકાય છે તેમ છે, અને કોરોનાથી મરી રહેલા લોકોનો મૃત્યુદર પણ ઘટી શકે છે। સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં અત્યારે આટલું જ। વધુ સમાચાર અને અપડેટ માટે આપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે। નમસ્કાર।